हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं बिल्डिंग सर्विसेज के अंदर बिल्डिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सिस्टम की। तो बिल्डिंग सेफ्टी क्या है, सिक्योरिटी सिस्टम हम किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं किसी बिल्डिंग्स के अंदर, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इन बिल्डिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट द फोकस हैज शिफ्टेड टूवर्ड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मेजर्स लाइक स्ट्रक्चरल सेफ्टी, फायर प्रोटेक्शन। दीज ऑल आर इन द बिल्डिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सिस्टम। व्हेन यू आइडेंटिफाई द रिस्क और विल गेट बेटर इक्विप अगेंस्ट देम, वेरी वर्सेटाइल सर्विस, वेल फंक्शन सिस्टम। तो अगर बिल्डिंग सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात हो रही है तो काफी सारी चीजें इसमें आ जाती हैं जिसके अंदर हम इनको कवर करके बिल्डिंग को सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ दो वर्ड्स हैं, एक आ रहा है बिल्डिंग सेफ्टी और एक आ रहा है सिक्योरिटी। ठीक है, अगर जैसे हम बात करें बिल्डिंग सेफ्टी की, तो सेफ्टी में क्या होगा, जैसे सेफ्टी और सिक्योरिटी अगर आप इनका हिंदी मतलब निकालें तो दोनों में एक ही जैसा मीनिंग निकल के आएगा। लेकिन सेफ्टी का मतलब क्या है कि जब हम कोई काम को कर रहे हैं, जैसे हम बिल्डिंग को बना रहे हैं, तो वहां वर्कर लेबर जो काम कर रही है वहां पे सेफ्टी फीचर कितने ध्यान दिए गए हैं, या हमने बनाने के बाद वहां पे सेफ्टी मेजर्स क्या क्या फॉलो करके किया है, या बाद में हम लिफ्ट के लिए बिल्डिंग सर्विसेज में अलग अलग। और सिक्योरिटी सिस्टम क्या है, ये एक्सटर्नल रीजन के कारण डैमेज हो सकती है। सिक्योरिटी सिस्टम वहां हम प्रोवाइड कर रहे हैं जहां कोई जानबूझकर कोई चीज की जा सकती है, जैसे मान के चलो थ्रेप्ट हुआ या कोई चोर आपके यहाँ आ गया, और उससे बचने के लिए जो हम पूरा सिस्टम लगा रहे हैं, जैसे हमने सीसीटीवी इनबिल्ट करे या हमने वहां पे कोई गार्ड को तैनात कर दिए, तो वो किस चीज में आ रहा है, सिक्योरिटी सिस्टम में आ रहा है। लेकिन अगर हमने ऑटोमेटेड स्प्रिंगलर सिस्टम को लगाया है तो वो बिल्डिंग सेफ्टी फीचर में आ रहा है। वहां जानबूझ के डैमेज नहीं हो रहा, वहां किसी भी अन्य रीजन के कारण डैमेज हो जा रहा है जिससे बचने के लिए, तो वो एक बिल्डिंग सेफ्टी है। और जहां जानबूझ के कुछ चीज हो रही है, हमें पता है, हमने उससे बचने के लिए प्रोविजन फॉलो करा है या हमने उससे बचने के लिए कोई अरेंजमेंट लगाया है, तो वो चीज काहे के अंदर आ रही है, आपकी सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर आ रही है। तो आई होप कि दोनों वर्ड के मीनिंग सबसे पहले क्लियर हो गए होंगे कि सेफ्टी जो हमने ओवरऑल प्रोवाइड कर रखी है किसी भी रीजन के कारण हो सकती है, और सिक्योरिटी जो कोई जानबूझ के किसी चीज को डैमेज कर सकता है या आहत कर सकता है उससे बचने के लिए हमने वहां सिक्योरिटी सिस्टम लगाया है। तो अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले जैसे कि बिल्डिंग सेफ्टी की अगर बात करें, तो बिल्डिंग सेफ्टी के लिए हम क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। भाई, आपने कोई फायर सिस्टम लगाया है, जैसे अभी हमने प्रीवियस वाले वीडियो में देखा फायर सिस्टम के लिए या फायर सेफ्टी के लिए हमने कई सारे फायर एक्सटिंगर लिए, ऑटोमेटेड स्प्रिंगलर सिस्टम को यूज करा, ठीक है, हॉज रील को लिया, तो ऐसे हमने कई सारी चीजें वहां पे बिल्ड कर दी जिसकी मदद से हम बिल्डिंग को क्या कर पा रहे हैं, सेफ्टी कर पा रहे हैं। ठीक है, हमने वहां पे जो मटेरियल यूज करा वो कुछ इस तरीके से यूज करा कि उन मटेरियल्स को आपको सिस्टम डैमेज होने से बचाए। ठीक है, हमने डोर प्रोवाइड करे, विंडो लॉक, सेंटर लॉक सिस्टम, तो ये सब सारी चीजें आपकी किस चीज के अंदर आ रही हैं, आपकी सेफ्टी के अंदर आ रही हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए सिक्योरिटी सिस्टम की बात करें, तो हमने कहीं पर सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम इनबिल्ट करा, या फिर हमने कहीं पे जो है विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम लगा दिया कि कोई भी व्यक्ति आएगा, डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम लगा दिया, सिग्नल सिस्टम्स लगा दिए, तो टाइम ट्रैकिंग, यूपीएस सिस्टम, ये सारे सिस्टम जब हमने किसी बिल्डिंग के लिए, चाहे रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कॉमर्शियल बिल्डिंग हो, दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं, इस तरीके से हमने किन्हीं चीजों को वहां प्रोवाइड कर दिया है, तो ये आपके उन चीजों को क्या कर पा रहा है, सेफ कर पा रहा है। अब दूसरी चीज क्या है कि अगर हम देख रहे हैं आपके बिल्डिंग सेफ्टी की बात कर रहे हैं, तो सेफ्टी के लिए हमने क्या करा है, वॉल्स को कुछ इस तरीके से तैयार करा है कि डबल आउटर फेस में हमने डबल ब्रिक वॉल यूज करा है जो आसानी से ब्रेक ना हो पाए, डोर हमने कुछ इस तरीके से यूज करे हैं, गेट हमने ऐसे यूज करे हैं, फायर डिटेक्टर सिस्टम हमने यूज करा है, स्प्रिंगलर सिस्टम हमने यूज करा है, तो ये सारे आपको क्या कर रहे हैं, ये सारे आपको सेफ्टी फीचर वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आपकी बिल्डिंग के लिए जो है
फायर माफ करिएगा, बिल्डिंग के लिए आपकी क्या बात हो रही है, सेफ्टी की बात हो रही है और सिक्योरिटी की सिस्टम की बात हो रही है। तो इन दोनों चीजों की मदद से ज्यादातर अगर हम बात करें सिक्योरिटी सिस्टम, तो इसमें डिजिटल चीजें बहुत ज्यादा आ जाती हैं, जैसे कि आपने देख लिया कि सीसीटीवी कैमरा आ जा रहा है, सीसीटीवी कैमरा के बाद आपके जो है मोबाइल नोटिफिकेशन आ जा रहा है कोई ऐप से आपके टैप पे, पहले गेट के बाहर आपने वहां पे कोई कैमरा लगा रखा है जिसकी मदद से पहले ही आपको बाहर वाले व्यक्ति को देखने को पता चल जा रहा है कि कौन आ रहा है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स फीचर्स या आईओटी थिंग्स के जरिए हम क्या कर पा रहे हैं, सिक्योरिटी सिस्टम को प्रोवाइड कर रहा है, मेजर पार्ट इसी का आपको देखने को मिलेगा। और सेफ्टी फीचर में चाहे हम बिल्डिंग बना रहे हो चाहे बिल्डिंग बन गई हो, इन दोनों के समय जो मेजर चीजें हमने ले रखी थी, चाहे वो वहां पे आपने मैश लगा रखी हो, हेलमेट्स वहां पे प्रोवाइड कर रखे हो, या फिर आपने फायर फाइटिंग सिस्टम जो बिल्ड कर रखा है, ये सारी चीजें किस चीज के अंदर आएंगी, बिल्डिंग सेफ्टी के अंदर आएंगी। तो थैंक यू सो मच।